सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए अपने फॉर्म में। लोकसभा में लाख प्रयास के बावजूद भाजपा की होगी करारी हार। एनडीए होगी सत्ता से बाहर, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव प्रदेश मुख्यालय में पार्टी मीटिंग में आए नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा लाख चालाकी कर ले, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे सत्ता से बाहर जाना ही होगा। जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। भाजपा ने जो झूठे सपने दिखाए थे उनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं। अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। समाज का हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आक्रोशित है। भाजपा देश को बर्बाद करने पर तुली है। उसका इरादा समाज को बांटने का है। आगे उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने धांधली और सत्ता का दुरुपयोग करके जीता था। मतदान से लेकर मतगणना तक में धांधली की गई थी। मात्र 3.5 लाख वोटों के अंतर से 2022 विधानसभा चुनाव का परिणाम प्रभावित करके भाजपा ने सरकार बनाई थी। वे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं को वे लोग कमजोर कर रहे हैं, प्रशासन में भी भेदभाव का जहर बो रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जब संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को धांधली करने से रोकेगी। अब हम लोग किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होना तय है। वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चीर प्रतिद्वंदी और बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जवाबी हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा का सफाया होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने बलिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी 75 जिलों में बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से 2014 और 2019 जीते, इसके बाद 2022 का विधानसभा भी भारी बहुमत से जीते। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयास है कि प्रदेश के सभी 80 के 80 सीट एनडीए की झोली में आ जाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के आने से एनडीए और मजबूत हुई है। इस चुनाव में प्रदेश से सपा का सफाया हो जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या आता है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और